इस कहानी में एक बच्चा अपनी मॉम की गंदी आदतों से बहुत ही परेशान हो जाता है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक छोटे से टाउन को देखते हैं। ये टाउन बहुत ही खूबसूरत था और अक्सर लोग यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए आया करते थे। इस टाउन में एक पैट्रिक नाम का लड़का अपनी मॉम सारा के साथ रहता था और उसके फादर बाहर जॉब करते थे, इसलिए ये दोनों माँ बेटे ज़्यादातर अपने घर पर अकेले ही रहते थे। पैट्रिक का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपनी मॉम को ही अपना दोस्त मानता था और वो हमेशा उनके साथ ही साइकिलिंग करता, स्विमिंग करता और फुल डे एंजॉय करता। उसकी मॉम सारा भी अपना पूरा टाइम पैट्रिक को ही देती थी, इसलिए वो किसी भी को अपना दोस्त नहीं मानती थी। एक्चुअल में पैट्रिक दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने से थोड़ा कतराता था, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन सारा तैयार हो रही थी जिसमें पैट्रिक उसकी हेल्प करता है। सारा को डेली एक कॉल आता था जिसके बाद वो बाहर चली जाती थी। पैट्रिक ये सारी बातें नोटिस कर रहा था। सारा काफी लेट घर पर आती थी और कभी कभी पूरे रात घर पर नहीं आती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब वो पैट्रिक के साथ बहुत ही कम टाइम बिताने लगी थी जिसके बाद पैट्रिक थोड़ा अपसेट रहने लगे था। इसके बाद हम देखते हैं पैट्रिक के पड़ोस में एक लड़की रहने के लिए आती है। पैट्रिक उससे दोस्ती करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाता। अगले सीन में सारा रेडी होकर फिर से बाहर जा रही थी। पैट्रिक को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो ड्रिंक्स उसकी ड्रेस पर गिरा देता है। ये देखकर सारा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और उसे डांटने लगती है। वो ये समझने की कोशिश नहीं करती पैट्रिक के दिल में क्या चल रहा है। इसके बाद सारा फिर से अपने कपड़े चेंज करके बाहर चली जाती है। पैट्रिक उसका पीछा करने लगता है ताकि वो ये जान सके आखिर उसकी मॉम कहाँ जाती है। फिर उसकी मॉम अपने लवर से मिलती है। पैट्रिक ये सब देख रहा था। इसके बाद उस रोड पर एक हिरण का बच्चा दिखाई देता है। पैट्रिक उसे अपनी तरह समझता है क्योंकि इन दोनों की माँ ने इनको अकेला छोड़ दिया था। अगली सुबह पड़ोस में रहने आई लड़की नायिका से पैट्रिक बात करने लगता है। कुछ टाइम बातें करने के बाद इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर नायिका उसे बताती है मेरी मॉम एंड डैड का डिवोर्स हो चुका है जिसकी वजह से मुझे काफी अकेला महसूस होता है। पैट्रिक जो भी एंजॉयमेंट अपनी मॉम के साथ करता था वो अब नायिका के साथ करने लगा था। उसको नायिका के साथ काफी मजा आने लगा था। उसका अकेलापन धीरे धीरे कम हो रहा था। वो अपनी सारी बातें नायिका के साथ शेयर करने लगा था। कुछ दिनों के बाद पैट्रिक के घर पर एक औरत आती है। ये औरत सारा से मिलने के लिए आई थी लेकिन सारा घर पर नहीं थी। कुछ टाइम के बाद वो औरत रोने लगती है। एक्चुअल में ये औरत उस आदमी की पत्नी थी जो सारा का लवर है। पैट्रिक उसे रोता देखकर उसे पीने के लिए पानी देता है। इसके बाद वो औरत वहां से चली जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सारा को उसके हस्बैंड का कॉल आता है। जब पैट्रिक अपने डैड से बात करता है तब सारा पैट्रिक से फोन छीन लेती है और उसे कहती है तुम मेरे अफेयर के बारे में अपने डैड से कुछ नहीं कहोगे। वो उसे अपनी कसम देती है। पैट्रिक उसकी बात मान जाता है। पैट्रिक को लगता है अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी मॉम फिर से उसे अपना टाइम देने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सबसे परेशान होकर वो सारा को रोकने के लिए घर की मेन गेट की चाबी छुपा देता है, लेकिन सारा उसके साथ झगड़ा करके अपने लवर के पास ही चली जाती है। पैट्रिक डेली सारा को रोकने के लिए कोई ना कोई हरकतें करता रहता, लेकिन सारा गुस्से में आकर उसे मारने लगी थी। वो अपने प्यार में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं पैट्रिक के पास अब बस एक ही खुशी बची थी जिसका नाम नायिका था, लेकिन ये भी खुशी अब उसे दूर होने वाली थी। एक बड़ा लड़का नायिका के पीछे पड़ा था। पहले वो उसे मारता है और उसे पैट्रिक से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद पैट्रिक रात में देखता है नायिका को जो लड़का परेशान कर रहा था। रात में वो उस लड़के के साथ प्यार कर रही थी। पैट्रिक एक बार फिर से अकेला हो चुका था। वो बहुत ज्यादा अपसेट था और वो अपनी मॉम से बात करना चाहता था, लेकिन जब सारा घर पर आती है तो वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और अपने बेटे की तरफ ध्यान न देकर सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह पैट्रिक को जब नायिका मिलती है तब वो उससे पूछता है क्या उस लड़के ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की थी। तो नायिका डर कर वहां से भाग जाती है। पैट्रिक भी भाग कर उसके पीछे जाता है और उससे पूछने लगता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है, प्लीज ये बताओ। लेकिन नायिका रोने लगती है जिसे देखकर पैट्रिक को लगता है शायद उस लड़के ने नायिका के साथ जबरदस्ती की है। पैट्रिक गुस्से में आकर उस बड़े लड़के के पास जाता है और उससे फाइट करने लगता है, लेकिन वो बड़ा लड़का अच्छे से उसकी धुलाई करता है। कुछ टाइम के बाद नायिका पैट्रिक के पास आती है और उसे समझाती है हम दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन पैट्रिक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो पहले ही अपनी मॉम से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और अब नायिका ने भी उसे अकेला छोड़ दिया था। वो इस सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और नायिका को बहुत ही भला बुरा कहता है, जिससे नाराज होकर नायिका वहां से भाग जाती है। पैट्रिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे अपनी मॉम की जरूरत थी, लेकिन उसकी मॉम तो अपने लवर के साथ जिस्म की प्यास बुझा रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं सारा रोती हुई अपने घर पर आती है। शायद उसके लवर ने उसे छोड़ दिया था। वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी और अपने घर पर ही रहती है। ये देखकर पैट्रिक बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसकी मॉम उसके पास वापस आ चुकी थी। वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। कुछ टाइम के बाद पैट्रिक के डैड वापस आ जाते हैं और वो उन दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। अपने डैड के आने के बाद पैट्रिक बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था। फिर
ये तीनों खूब इंजॉय करने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं, एक दिन पैट्रिक अपने डैड के साथ चेस खेल रहा था। तब उसके डैड पैट्रिक से पूछते हैं, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हारी मॉम किसी आदमी से मिलती थी? पैट्रिक ने अपनी मॉम से वादा किया था, इसलिए वो अपने डैड को कुछ नहीं बताता। लेकिन उसके डैड को सारा का बदला हुआ रूप देखकर उस पर शक होने लगा था। उसी टाइम पैट्रिक के घर पर नायिका आती है। वो पैट्रिक से कुछ बात करना चाहती थी। नायिका के बोलने पर वो उसके साथ साइकिलिंग और स्विमिंग करता है। इसके बाद नायिका उसे बताती है, मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और मैं यहां से चली जाऊंगी। पैट्रिक को ये बात पता थी, नायिका की छुट्टियां खत्म होने के बाद वो चली जाएगी और वो उसे चाहकर भी रोक नहीं सकता, इसलिए वो चुपचाप खड़ा होकर उसे सुन रहा था। इसके बाद जब वो घर पर आता है तब वो उस औरत से मिलता है जो उसके घर पर आई थी। जब वो घर के अंदर जाकर देखता है तब उसके डैड रो रहे थे। वो समझ जाता है उस औरत ने उसकी मॉम के बारे में सब कुछ बता दिया है। सारा से दुखी होकर पैट्रिक के डैड अपनी नौकरी पर वापस जाने का फैसला कर लेते हैं। इस बार वो वापस नहीं लौटने वाले थे। सारा उसे बहुत समझाती है लेकिन पैट्रिक के डैड वहां से चले जाते हैं। इसके अगले दिन सारा पैट्रिक को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। एक्चुअल में पैट्रिक अपनी मॉम की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, जिसकी वजह से उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। वो दोनों चलते हुए रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गए थे। सारा पैट्रिक के साथ तो आई थी लेकिन उसका ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं था। सारा आगे निकल जाती है लेकिन पैट्रिक रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो जाता है। जब सारा पीछे मुड़कर देखती है तब पैट्रिक रेलवे ट्रैक पर खड़ा होता है और दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी। वो चिल्लाकर उसे हटने के लिए कहती है लेकिन पैट्रिक उसकी बात नहीं सुनता। अब सारा को एहसास होने लगा था आखिर उसकी जिंदगी में कौन ज्यादा जरूरी है, उसका लवर या उसका हस्बैंड और बेटा। एक्चुअल में पैट्रिक रेलवे ट्रैक से थोड़ा दूर ही खड़ा था और उसकी जान बच जाती है। अब सारा को एहसास हो चुका था उसकी लाइफ में उसका बेटा और हस्बैंड ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।